स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। और शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। स्पीकर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे स्पीकर चुनाव के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा में कल स्पीकर चुनाव की वोटिंग की जाएगी। सत्ता और पक्ष में सहमति नहीं बनी। एनडीए से ओम बिरला उम्मीदवार हैं, इंडिया से के सुरेश उम्मीदवार बनाए गए हैं। 72 साल बाद देश में स्पीकर का चुनाव होगा, तो सहमति सत्ता पक्ष और पक्षी नहीं बन पाई है और इसीलिए अब चुनाव होगा। कल 11 बजे वोटिंग की जाएगी और वोटिंग के आधार पर ही स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। ये बता दें आपको, ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार है जबकि इंडिया गठबंधन से के सुरेश उम्मीदवार बनाए गए हैं। कल 11 बजे वोट किया जाएगा और उसी के बाद यहां पर स्पीकर का चुनाव होगा। और खास बात यह है कि 72 साल बाद ऐसा होगा जब स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। लोकसभा में कल स्पीकर का चुनाव होगा और ये बता दें आपको, वोट के आधार पर यहां पर स्पीकर चुना जाएगा। एनडीए का स्पीकर होता है या फिर इंडिया गठबंधन का स्पीकर होता है, ये कल देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीदवार जो है वो एनडीए से ओम बिरला है, जबकि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो के सुरेश जो है उम्मीदवार बनाए गए हैं। दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दोनों के उम्मीदवारों की, उम्मीदवार ओम बिरला एनडीए की और इंडिया उम्मीदवार के सुरेश, जो कि कल यहां पर स्पीकर पद के लिए हाजिर रहेंगे और वोटिंग होगी और उसी के आधार पर कौन स्पीकर यहां पर बनता है ये तस्वीर भी कल साफ हो जाएगी। तो पहली बार ऐसा होगा जब 72 साल बाद स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि सत्ता और पक्ष दोनों में सहमति बन नहीं पाई थी और इसीलिए अब स्थिति ये हो गई है कि वर्सेस की नौबत आ गई है। ओम बिरला वर्सेस के सुरेश, दोनों में से किसको चुना जाता है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त, अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बता दें आपको, इस पूरी बहस को लेकर कह लीजिए तस्वीरें जुड़ी हुई हैं। ओम बिरला जो है एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए, के सुरेश जो है इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और पहली बार ऐसा होगा जब 72 साल में जब चुनाव होगा स्पीकर पद के लिए। और सत्ता पक्ष जो है, क्योंकि सहमति नहीं बनी है तो स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि चुनाव कराना पड़ रहा है स्पीकर पद के लिए। और अब चुनाव के आधार पर यह डिसाइड होगा कि कौन स्पीकर के पद पर विराजमान होगा। हालांकि डेप्यूटी स्पीकर के पद पर कौन होगा ये भी एक बात यहां पर रुकी हुई है, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर के पद को लेकर ही स्पीकर पद पर यह बात आ गई है कि चुनाव कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है वो यहां पर मांगा गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो कि बनता हुआ यहां पर सहमति से नजर नहीं आया है। बहरहाल इस मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक जैसे बयान दिए हैं। हमने दिया था, तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। अभी सामने आपको दिखाई देगा इसी सीटों के बाद सदन है। तो फिलहाल बता दें आपको, दोनों के एक जैसे बयान ही सामने निकल के आए, क्योंकि सहमति नहीं बनी है तो इसलिए अब चुनाव जो है वो यहां पर कराना पड़ रहा है। हालांकि राहुल गांधी को आपने पहले सुना होगा, राहुल गांधी किस तरीके से स्पीकर पद के लिए कहते हुए नजर आए थे कि वो सहमति दे रहे हैं। लेकिन अब दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों ही तरफ से नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया गया, के सुरेश ने भी और ओम बिरला ने भी अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल यहां पर कर दिया, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बता दें आपको, कल जो है वो 11 बजे यहां पर चुनाव होगा, वोट होगा और उसके बाद स्पीकर पद के लिए कौन यहां पर अपनी दावेदारी पुख्ता तौर पर रख पाता है ये देखना होगा। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ओम बिरला और के सुरेश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एनडीए के उम्मीदवार हैं ओम बिरला और दूसरी तरफ के सुरेश जो है वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जिनको यहां पर स्पीकर पद के लिए उतारा गया है। ये बता दें, इससे पहले डिप्टी स्पीकर पद जो है के सुरेश के लिए कहा गया था, अगर उस पर सहमति बनती तो फिर ये वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन वहां सहमति नहीं बन पाई तो अब स्पीकर पद के लिए सीधे के सुरेश जो है वो यहां पर नॉमिनेशन अपना दाखिल कर चुके हैं, उसकी ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं।